नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। राम राम ठाकुर। राम राम, क्या खबर लाए? किशनगढ़ से बारात चल चुकी है। राम राम ठाकुर, किशनगढ़ से बारात चल चुकी है, पर फिर क्या है, पहुंच जाओ अपनी बारात लेकर, लूट लो, भर लो बंडा। बखीरा, तू फिर आ गया मेरे रास्ते में। आना जाना तो लगा ही रहता है ठाकुर, ये संसार है संसार, यहाँ कोई आता है कोई जाता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तेरी कुछ समझ में ना आ सका है ये जीने मरने का सिलसिला, कोई आ रहा है अभी अभी, कोई आके पहले चला गया। ठाकुर, ये शेर नहीं है, फलसफा है, फलसफा, एक दिन तुमको भी जाना है। अरे फकीरा, पहले अपने बदन के किचड़े तो बदल ले, ये ले पैसे, और देख आज से अपने मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा ले, समझा? नोट तो असली है ठाकुर, किचड़े बदल लू, जुबान पर ताला डाल लू, इस पाप की दौलत से। ठाकुर, पहले इन पैसों से तुम अपनी आत्मा बदलो, फकीरा डाकुओं से भिक्षा नहीं लेता। Thank you.
भवानी माँ, तेरी दी हुई शक्ति से तेरा ये पुजारी आज भी विजय पाकर आया है। ये भेंट स्वीकार कर देवी। हाँ, तेरे भवानी सिंह सर जब कभी झुके तो तेरे आगे झुके। मां, ये मेरे खून की भेंट। बाय लागे ठाकुर बापू। जीते रहो बेटे, जीते रहो। देखा ठाकुर मेरे बेटे ज्वाला सिंह को, तुम्हारी तरफ बढ़ने वाली हर गोली को अपने सीने पर रोकने के लिए एक और ढाल तैयार कर रहा हूं। हम जानते हैं वफादारी का दूसरा नाम चंदन सिंह है। हम कुछ रोज के लिए गांव जा रहे हैं, पीछे होशियारी। अरे राम राम गोविंद भैया। जय राम जी की सूरत भैया। अरे भाई गांव में सब सुख शांति है ना? सब भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल देरी धनिया चल। ठाकुर अरे क्या कर, मेरी ठुकराइन, बहुत दिनों के बाद घर आया ठाकुर। देखो शर्म नहीं आती, देखो बच्चे देख रही है। हस्ती है सुसरी। अरे किसी और की तो नहीं, अपनी ठुकराइन को सीने से लगा रहा हूँ इस वक्त। बच्ची तो क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है। अरे अरे बापू को देखते छलांग लगाने लगी। अरे मेरी मुनिया, अच्छा चल बैठ सीधे बैठ। देख तेरी बापू क्या लाया। पकड़ इसको यहाँ से, इसको पकड़। देख ये है दुर्गा माँ का लॉकेट, ये बापू की हमेशा रक्षा करती आई है, अब तेरी भी करेगी। दिखा तू जरा। अरे वाह छोनू बेटा, वाह वाह वाह। ठाकुर ये ले लस्सी। अरे मेरी ठुकराइन, देख तो तू कितनी दुबली हो गई अपने ठाकुर के बिना। चल ये तू पी। नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम तू पी, मैं इससे पीता। अपने बच्चों से डर गए ठाकुर? बच्चों से? हाँ वो देखो अपने राम लक्ष्मण स्कूल से आए हैं। ये अपना मुन्ना हमेशा पुलिस की सायरन बजाता आता है। राजू, राजू बाय बाय। बाय बाय। राम राम चाची। राम राम, जीते रहो। ये तीसरा बच्चा कौन है? ये करोड़पति सेठ ठाकुर हरनाम सिंह का इकलौता बेटा राजू है, अपने बच्चों का दोस्त है। रोजाना अपनी मोटर में स्कूल ले जाता है और वापस छोड़ जाता है। सेठ हरनाम सिंह करोड़पति। माँ, बापू। शेरू बापू, हमारे लिए शहर से क्या लाए? अबे सुसर पहले ये बता, तूने पढ़ाई क्या की आज? कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और तूने? सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तुम तो दोनों पढ़ लिख कर पंडित बन गए बे। पहले ये बताओ हमारे लिए शहर से क्या लाए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख तेरे लिए लाया हूं रंगीन पेंसिलें, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई हूं, समझा? और मेरी बंदूक? अबे बंदूक तो बड़े होके लेना, पहले ये पिस्तौल तो संभाल। जब देखो बंदूक बंदूक, क्या करेगा बंदूक लेकर? बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, डाकुओं को मारूंगा। बस कर बस कर। अच्छा पहले दूध पी, ये ले। मुन्ना कितनी बार कहा एक सांस में दूध मत पिया कर, सारे कपड़े खराब कर दिए। ये लो जी, चलो उतार, तू भी उतार। ला। अबे खींच, थोड़ा और ऊपर खींच। ये देखो बापू, मेरे भी। अरे शंकर भगवान, माँ ने मेले में बनवाया था। अच्छा? चल भैया हम चोर सिपाही खेलेंगे। ठुकराइन तू भी क्या याद करेगी कि किस रईस से पाला पड़ा। ठाकुर मैं कई बार कह चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ मत लाया कर। पगली देख तो सही कितना कीमती और खूबसूरत हार है। हार किसी दुल्हन का छिना हुआ सुहाग और मासूमों के खून में डूबी हुई दौलत मुझे नहीं चाहिए। फिर वही भाषण। अब भी वक्त है, मान जाओ ठाकुर, वरना एक दिन यही भाषण याद करके रोओगे। ठाकुर जब बच्चों को ये पता चलेगा कि उनका बाप डाकू है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी?
जब गांव वालों को ये मालूम होगा कि राधा एक डाकू की बीवी है तो वो लोग गिद्धों की तरह हमें नोच डालेंगे। इस घर में हम सबको जिंदा जला डालेंगे। राधा, किसी माँ ने इस धरती पर ऐसा बेटा नहीं जाना जो भवानी सिंह की बीवी अब बच्चों की परछाई पर पांव भी रख सके। मेरे पास शक्ति है, ताकत है, सारा गांव जलाकर राख कर दूंगा। इतने घर जलाओगे ठाकुर, और फिर ये क्यों भूल जाते हो? उन घरों के बीच में तुम्हारा अपना भी घर है, उस आग में वो भी जल जाएगा। बहुत हुआ राधा, अब और बोलेगी तो अपने बच्चों को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जरूर ले जाना, उन्हें भी बना दो डाकू, और जब वो डाकू बन जाए तो उनसे कहना कि जिंदगी की पहली गोली वो अपनी माँ की छाती में मार दे और उसी खून से अपने माथे पर कामयाबी का तिलक लगाए। तेरा नाम बहुत रोशन होगा। राधा, तेरे ये अश्लोक भवानी सिंह की जिंदगी के रास्ते नहीं बदल सकते। चिट्ठी और अपने मालिक से कह देना कि कल शाम सूरज डूबने से पहले 5,00,000 रुपए लेकर भैरों घाटी में आ जाए, वरना उसके बच्चे की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। कमीने, तू उनसे जरूर मिला हुआ है, बोल तेरा कितना हिस्सा है नमक हराम? बोल कुत्ते, बोल। मालिक, मैं इतना नीच रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो तू पुलिस के सामने खाना, वो तुझे जूते मार मार के सब कुछ उगलवा लेगी। नहीं, तो पुलिस को फोन नहीं कर सकते। इस खत में साफ लिखा है अगर पुलिस को खबर की तो वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? उन डाकुओं के सामने हार मान जाऊं, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं? खानदान का चिराग ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा नाम लेने वाला कौन होगा? ठाकुर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने खानदान के नाम मेरे बेटे की बलि मत चढ़ाओ। अपने बच्चे का सदका समझकर डाकुओं को 5,00,000 रुपए दे दो। ठाकुर, 5,00,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ है तुम्हारा सरदार? माओ की गोद उजाड़ कर अपनी झोली भरने वाला कहाँ है तुम्हारा जालिम ठाकुर? ठाकुर, तेरा भी तो है राधा। हाँ, उस बदनसीब औरत का जिसे ये मनहूस दिन देखना पड़ा। ये मत भूल ठाकुर, राजू तेरे बच्चों का दोस्त है। एक अमीर कानून बनाने वाला जिसने समाज की उजली चादर ओढ़ रखी है, और दूसरा कानून से भागा हुआ एक डाकू जिसके गले में समाज ने काला टॉप डाल रखा है। इन दोनों के बच्चों में कहां की दोस्ती राधा? लेकिन इंसान से इंसान की दोस्ती जरूर होती है ठाकुर। मैं राजू को लेने आई हूँ। चाची, मुझे बचाओ चाची, ये लोग मुझे मार डालेंगे। चाची, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। घबरा मत बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास जरूर ले जाऊंगी। ठाकुरान, क्या ठाकुर हरनाम सिंह ने 5,00,000 रुपए भेजे हैं बच्चा वापस लेने के लिए? नहीं। तो फिर क्या लाई हो ठाकुरान?
एक माँ के आंसू। डाकुओं की बस्ती में आंसुओं के मोती नहीं, सोने चांदी के सिक्के खनकते हैं। भगवान से डर ठाकुर, ये मत भूल तेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो ठाकुर भवानी सिंह के बच्चे हैं। उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल ली जाती हैं। इस बच्चे को यहीं रहने दो राधा। नहीं, मैं तुम्हें एक बेबस मजबूर बच्चे की जान से नहीं खेलने दूंगी। हम इस बच्चे की जान से कहां खेल रहे हैं राधा, हम तो उसके बाप की तिजोरी को सिर्फ छेड़ रहे हैं। दूसरे की दौलत जुल्म से हासिल करना पाप है ठाकुर, पाप। बंद करो ये उपदेश। चंदन सिंह, ले जाओ इस बच्चे को। रुक जा चंदन सिंह, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। नहीं राधा, नहीं, ये नहीं राधा। बस ठाकुर, अपनी परछाई पे पैर पड़ा तो चीख उठे, मैं राजू को लेकर ही जाऊंगी। भवानी! राजू! भवानी! धीरज रखो, हम रुपया लेकर आए हैं, भवानी बच्चे को जरूर लेकर आएगा। माँ! राजू! अन्ना! भवानी! अन्ना! भवानी! मैं 5 लाख रुपया ले आया हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। अन्ना, मेरे लाल मेरे पास आ जा। माँ! बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे, हो रहा है। भवानी, तुझे 5 लाख रुपया चाहिए था ना, ये ले और मेरा जिंदा बच्चा मुझे वापस ला दे। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा ठाकुर, मैंने नहीं मारा। माँ, आज मैं तुझसे इंसाफ मांगती हूँ, मेरा इंसाफ कर माँ, मेरा इंसाफ कर। इस जालिम ने मेरे मासूम बच्चे के खून से अपने हाथ रंगे, एक माँ की गोद उजाड़ी है, इसे औलाद का सुख कभी नसीब ना हो माँ, कभी नसीब ना हो। नहीं माँ, दिखा दे इसे अपना सिर, उठा दिखा दे। नहीं माँ, ये दुर्गा माँ के मंदिर में खड़ी एक दुखियारी माँ के मुंह से निकला हुआ श्राप है। भवानी, तूने मेरे घर का दिया बुझा दिया, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर तेरी कोई औलाद है तो आज के बाद तू उनकी सूरत कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। Yeah!
बाबा 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 बाबा, आपने मेरे बच्चों को देखा? नहीं बेटी। बाबा मैं बर्बाद हो गई, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरे तीनों बच्चे सैलाब में बह गए, मैं लूट गई। नहीं, धर्म कांटे की तरफ देखने से क्या होगा ठाकुर? तुमने धर्म का अपमान किया, तकदीर ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए। अगर तुम्हारी शक्ति भगवान की शक्ति से महान है तो फिर से बसा दिए उजड़ा हुआ गांव। मेरे बच्चे वापस ला ठाकुर, वापस ला। अब कहां गई तेरी शक्ति, कहां गया तेरा वो घमंड? ठाकुर, तेरे पाप ने सैलाब बनकर मेरी गोद सोने कर दी, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे बिछड़ गए, मेरे तीनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। मालूम होता है वो अपनी बिरादरी का है। हाँ, क्यों मैं साले चोरी करता है? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है मैं तू? मैं जयगढ़ का रहने वाला हूँ। बाढ़ में मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए और मेरे भाई बहन मुझसे छूट गए। अबे बड़ी तकदीर वाला है साला तू, उस बाढ़ में तेरे माँ बाप बहन भाई तो क्या, सारा गांव तबाह हो गया। वहां लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मरे हैं, एक परिंदा तक नहीं बचा वहां पर। चल हुट, हुट। बाबा 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 बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा बाबा। नहीं ठाकुर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पुलिस के आगे हथियार नहीं डालेंगे। ठाकुर, तुमने खुद हमको सबक सिखाया था कि सीने पे गोलियां खाओ लेकिन किसी के आगे सर मत झुकाओ, जब तक शरीर में खून का एक कतरा बाकी है लड़ते रहो। और ठाकुर, आज तुम चाहते हो कि हम पुलिस के आगे हथियार डाल दें? आ चंदन, इसलिए कि आज एहसास हुआ जो सबक हमने तुम्हें सिखाया वो गलत था। इस रास्ते पर आज तक चलाया वो कभी ना खत्म होने वाला एक गुनाह और पाप का रास्ता था। चंदन, ऐसे लगता है जैसे मेरे बदन के एक एक टुकड़े पर गुनाहों की चिताएं जल रही हों। चंदन, अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही होगा, वरना हम सब इसी आग में जल जाएंगे। वाह ठाकुर, जब तुम लोगों को जिंदा जला देते थे तो चिता का एहसास नहीं हुआ, इंसानों का खून पानी की तरह बहाया, लेकिन माथे पे कभी पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। साफ क्यों नहीं कहते ठाकुर, बाढ़ में तुम्हारे बच्चे क्या बह गए, एक डाकू की आत्मा बह गई। तुम बुजदिल हो गए ठाकुर, बुजदिल हो तुम। भवानी सिंह को बुजदिल कोई कह नहीं सकता। आत्मा बहने गई चंदन, आत्मा लौट आई है, और अब ऐसे मालूम होता है कि बुजदिल हम पहले थे। उस दिली का वो चोला हमने आज उतार कर फेंक डाला। ये कौन सी बहादुरी है कि दिन के उजाले में निकले तो भेस बदल कर, सोए तो बंदूकों का तकिया बनाकर। चंदन, ना घर ना बार, हवा का एक मामूली सा झोंका चौंका देता है
और घबरा कर ऐसे उठ बैठते हैं जैसे पुलिस की गोली थी। इन गुमराह खंडरों को छोड़कर चल मेरे साथ इंसानों की बस्ती में चंदन चल।